चलो तो देखो, बेसिकली हमने आज अभी हम लोग का पूरा फोकस 12 to 14 पे ही रहेगा। हमने लास्ट क्लास उसका एक क्लास किया है और हम लोग आज भी सम्स करेंगे और हम लोग ये प्रैक्टिकल समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग ये समझना कि डेल्टा क्या होता है, ठीक है। सो अभी हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि डेल्टा होता क्या है। सो जैसा कि आप लोग सबको पता है, डेल्टा इज बेसिकली डेल सी टी डेल एस टी, राइट। अगर शेयर प्राइस में चेंज होगा तो मेरा ऑप्शन प्राइस में क्या चेंज होगा। अब जैसे मैंने तुम लोग को पढ़ाया इन द मनी क्या होता है और आउट ऑफ द मनी क्या होता है, राइट। तो अब तुम लोग एक चीज समझना कि इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। अब जैसे कॉल ऑप्शन है, मान लो ठीक है, निफ्टी तुम्हारा चल रहा है 18,200। अब मैं यहाँ पर स्ट्राइक प्राइसेस लिखता हूँ, ये हो गया मेरा स्पॉट प्राइस। मैं स्ट्राइक प्राइसेस लिखता हूँ 17,000, कॉल ऑप्शन का बात हो रहा है, ठीक है, कॉल ऑप्शन का बात हो रहा है 17,000, 18,200, 19,000। तो 17,000 वाला बेसिकली क्या हो गया, इन द मनी हो गया, ये हो गया एट द मनी और ये हो गया आउट ऑफ द मनी। ये सबको समझ में आ गया है। तो अब तुम लोग डेल्टा जो समझेगा ना, डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज इन ऑप्शन प्राइस ड्यू टू चेंज इन शेयर प्राइस। अब ये लोग का जो प्रीमियम होगा ना, जैसे मान लो हर इंडेक्स है, अगर हम लोग निफ्टी का बात करेंगे तो निफ्टी का हम लोग का जो लॉट साइज होता है वो 50 का लॉट साइज होता है और ये एक इंडेक्स है, तो इसका जो एक्सपायरी होता है हर थर्सडे को होता है। अभी जैसे देखो आज शनिवार है ना, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे को एक्सपायरी होगा, थर्सडे का जो भी डेट होगा थर्सडे को एक्सपायरी होगा। जैसे कल 21 है ना, 22, 23, 24, 25 तारीख को एक्सपायरी होगा, फिर अगला थर्सडे, ऐसे करके, ठीक है। और जो इक्विटी का जो ऑप्शन होता है उसका खाली मंथली एक्सपायरी होता है, इंडेक्स का वीकली एंड मंथली और इक्विटी का क्या होता है, मंथली, ठीक है। अब एक चीज समझना, हम लोग इसका प्राइसिंग देखते हैं, ठीक है। प्राइसिंग इसका ऐसे होगा, जो इन द मनी ऑप्शन होगा ना, अब जैसे ये देखो कितना से इन द मनी है, 1200 से इन द मनी है, तो 1200 रहेगा और तुम्हारा बेसिकली वोलेटिलिटी प्रीमियम रहेगा, तो इसका मान लो 1300 रुपया दाम है। ये जो एट द मनी है, एट द मनी वाले का दाम मान लो 150 से 200 रुपया रहेगा, एक रफ बता रहे हैं। और ये जो आउट ऑफ द मनी, इसका दाम रहेगा 50 रुपया। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चरिंग है, ठीक है। अब एक चीज समझना होता क्या है, अब जैसे मान लो इंडेक्स 100 रुपया से बढ़ा, तो तीनों में सेम चेंज तो नहीं होगा। ये वाला का जो डेल्टा है, ये पहले वाले का जो डेल्टा है, ये मोटा मोटी 1 है। इसका जो डेल्टा रहेगा ये 0.5 रहेगा और इसका 0.1 के आसपास रहेगा। अब डेल्टा का मतलब समझना, जैसे जैसे तुम आउट ऑफ द मनी से इन द मनी जाएगा, जैसे जैसे तुम आउट ऑफ द मनी से इन द मनी जाएगा, तुम्हारा डेल्टा बढ़ता है कॉल का, ठीक है ना। कैसे देखो, अब इस चीज को समझना, ठीक है। अब जैसे मान लो पहले मैंने क्या बोला, डेल्टा कैसे कैसे रहेगा। अब जैसे मान लो जिसका डेल्टा है 1, इसका मतलब क्या है, इंडेक्स अगर 100 रुपया से बढ़ेगा तो तुम्हारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन का भी जो वैल्यू है वो 100 रुपये से बढ़ जाएगा, समझा। चेंज इन ऑप्शन प्राइस ड्यू टू चेंज इन शेयर प्राइस, जिसका 0.5 है, इंडेक्स 100 से बढ़ेगा तो ऑप्शन का दाम 50 से बढ़ेगा। जिसका 0.1 है, इंडेक्स 100 से बढ़ेगा लेकिन इसका दाम 10 से बढ़ेगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अब एक बात समझना, 18,200 से 18,300 हो जाएगा ये ज्यादा प्रोबेबल है कि 19,100 हो जाएगा ये ज्यादा प्रोबेबल है, 18,300, समझा। तो उसी के हिसाब से वो वोलेटिलिटी प्रीमियम आता है। व्हाट इज वोलेटिलिटी प्रीमियम, अगर अंदर का भाषा में समझाएंगे तो वोलेटिलिटी प्रीमियम है क्या, वोलेटिलिटी प्रीमियम है कि मतलब मेरा ख्वाहिश पूरा होगा, ऑप्शन बाय कर रहे हैं ना, कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, मतलब चाहते हैं मार्केट ऊपर भागे, तो मेरा जो ख्वाहिश पूरा होगा उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लो मैंने फार आउट ऑफ द मनी खरीदा है, तो फार आउट ऑफ द मनी इन द मनी जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो। मैंने बोला था बाइंग इज लाइक अ लॉटरी, विनिंग अ वेरी ह्यूज अमाउंट विथ लो प्रोबेबिलिटी एंड लूजिंग अ स्मॉल अमाउंट विथ हाई प्रोबेबिलिटी। द स्मॉल अमाउंट इज व्हाट, द प्रीमियम दैट वी हैव पेड। इफ यू आर बाइंग अ लॉटरी टिकट फॉर 50 रुपीज एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल गेट 1 करोड़, उसका प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही लो है ना। अब मार्केट में ऐसा क्या हो जाएगा जिससे कि तुम ये समझो, ऐसा मार्केट में क्या होगा जिससे एक बार में 1,000 पॉइंट ऊपर भागेगा निफ्टी, वो भी निफ्टी। अब जैसे मान लो अभी न्यूज आया कि 2,000 का नोट सर्कुलेशन से बंद होने वाला है, सो दिस इज द न्यूज दैट विल इंपैक्ट द बैंकिंग सेक्टर। सो यू माइट एक्सपेक्ट लिटिल बिट ड्रॉप इन द शेयर प्राइस ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, और मे बी राइज भी हो सकता है क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट किया जा रहा है, कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट किया जा रहा है। सो अंडरस्टैंडिंग द मार्केट सेंटिमेंट इज क्वाइट डिफिकल्ट, ओके, हाउ मार्केट विल रिएक्ट टू दिस। एज जो लोग भी टैक्स पेयर्स है, जो लोग भी सैलरीड एम्प्लॉय, वो लोग के लिए बहुत अच्छा न्यूज है क्योंकि जो लोग भी बिजनेसमैन होते हैं वो लोग कच्चा पक्का करके अपना टैक्स बचा लेते हैं, बट जो सैलरीड एम्प्लॉय जो तो पूरा महीना खटता है, पूरा साल खटता है, उसका तो पहले ही टैक्स कट जाता है क्योंकि उसका कच्चा में कोई स्कीम नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब जैसे मान लो, अब हम लोग इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मैं चालू करता हूं आपको
फ्यूचर्स का ग्राफ से, ठीक है ना, फ्यूचर्स का ग्राफ से चालू करते हैं। तो 25 में, अब फ्यूचर्स में क्या होता है, तुमको जब तुम रियल लाइफ में देखेगा तो तुमको 1 महीना, तो तुमको 1 महीना, तुमको 2 महीना और तुमको 3 महीना। जैसे अभी मई चल रहा है तो मई एंड, जून एंड जुलाई एंड, तुमको इन तीनों का फ्यूचर्स कोड दिखेगा। जैसे मई खत्म तो जून जुलाई अगस्त, जून खत्म जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसा रहता है, 3 3 महीने का रहता है। जितना दूर का फ्यूचर्स उतना ज्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट, राइट। अब जैसे फ्यूचर मतलब क्या होता है, अभी तो तुम्हारा कुछ पैसा नहीं लग रहा है, मार्जिन लग रहा है ना, 10 लाख का सामान तुम 2 लाख में खरीद रहे, यही तो होता है ना फ्यूचर का मतलब। 10 लाख का जो सामान है, तुम 20% मार्जिन डिपॉजिट किया, तुम 2 लाख में सामान खरीद ले रहे, यही होता है ना। अब देखो फ्यूचर्स 25 मई का एक बाई किए हैं, ठीक है, पहले हम देखते हैं यहाँ पर, रीसेट करते हैं, हम सुबह से खेल रहे थे इसके साथ, ठीक है। तो अब जैसे फ्यूचर्स बाय किए हैं, ये एड पोजीशन करते हैं, ठीक है। सो फ्यूचर्स बैंक निफ्टी का बाय किए हैं, दाम चल रहा है 43967, 25 मई का, ठीक है। इसका देखो ग्राफ ऐसा होता है, ये बना लो, ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है, या फिर व्हाट आई कैन डू इज, मैंने, तुम लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बेसिकली इसको समझ लो एक बार, इसका मतलब क्या है। ऊपर जाने से प्रॉफिट, नीचे जाने से नुकसान। बैंक निफ्टी है तो 25 का लॉट, निफ्टी है तो 50 का लॉट, ठीक है ना। अब जैसे मान लो अभी करंट चल रहा है 43956, तुमने बाई किया, 500 पॉइंट ऊपर बढ़ गया, 500 × 25 कितना, 12,500 का प्रॉफिट। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना है, 2 लाख। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है, 10 लाख। 10 लाख कैसे आ रहा है, 44,000 × 25, करो भाई कैलकुलेटर में, 44,000 × 25 कितना आ रहा है बताओ, मोटा मोटी 10 लाख। 44,000 ×, तुम लोगों को मैं बताता हूँ अप्रोक्सीमेट मार्जिन कितना लगेगा, करो 44,000, 44,000 × 25 कितना आ रहा है, 11 लाख आ रहा है। 11 लाख का 17% करो, 17%, 1,87,000 आ रहा है ना। अब देखो यहां पर देखो एस्टिमेटेड मार्जिन, ये सॉफ्टवेयर इतना बढ़िया है लेकिन यहाँ पर ये मार्जिन गलत दिखाता है, ये गलत दिखाता है। तुम लोग जीरोधा का सॉफ्टवेयर में ट्राई कर सकता है, तो वहां पर एकदम पूरा एक्यूरेट मार्जिन दिखाएगा, समझ गया। नीचे जाने से नुकसान, ऊपर जाने से प्रॉफिट। यही अगर मान लो मैं इसको रीसेट करके मैं सेल करता हूँ, ठीक है, मैं सेल करके एड पोजिशन करता हूँ, तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, समझा। नीचे जाने से प्रॉफिट, ऊपर जाने से नुकसान, क्योंकि तुम सेल किया है, तुम फ्यूचर सेल किया है। ये ग्राफ जरूरी है, विश्वास करो, मतलब तुम लोग, मेरे को नहीं पता था कि कैसा ग्राफ होता है। मैं बहुत ओवर टाइम इसे डेवलप किया हूँ, ठीक है, सीए फाइनल में, एसएफएम वगैरह में, एंड CT8 है, SP5 है, SP6 है, तब जाके इसे मेरे को डेवलप हुआ है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं तुमको एक बेसिक चीज बताता हूँ, लेट मी गिव यू, फ्यूचर तो बहुत ईजी था, नाउ लेट मी गिव यू सम एनालिटिक्स। इसको मैंने रीसेट किया, नाउ लेट्स ट्राई वन स्ट्रैडल। सो व्हाट इज अ स्ट्रैडल, स्ट्रैडल का मतलब क्या होता है, हम लोग सेम स्ट्राइक प्राइस पे एक कॉल और एक पुट बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। स्ट्रेडल, स्ट्रेडल मतलब क्या होता है, ऐसा वी बनता है, लॉन्ग में ऐसा वी बनेगा, शॉर्ट में ऐसा बनेगा, चीज समझना। मतलब क्या, मैं सेम स्ट्राइक का, स्ट्रेडल मतलब क्या होता है, मैं सेम स्ट्राइक का, जैसे देखो बैंक निफ्टी है ना, 44,000 स्पॉट चल रहा है, 44,000 स्पॉट चल रहा है, मैं एट द मनी का एक स्ट्रेडल बाय कर रहा हूँ। एट द मनी का स्ट्रेडल बाय करने का मतलब क्या है, 44,000 का स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल बाय, 44,000 का स्ट्राइक प्राइस का एक पुट बाय, ठीक है। तो दोनों में मैं बाय कर रहा हूं तो प्रीमियम क्या जाएगा, प्रीमियम जाएगा। अब देखो ग्राफ देखो इसका, वन लॉट बाय, ठीक है। अब यहां पर देखो प्रीमियम देखो, पहले पहले प्रीमियम नोटिस करो, 236,276, तो टोटल में कितना हो गया, 500 रुपया प्रीमियम लग गया ना, 500 रुपया मेरा प्रीमियम लग गया। एक नॉर्मल सोचो, सब लोग उधर में देखो, मेरी तरफ देखो, ग्राफ ग्राफ छोड़ो, इधर देखो ग्राफ बनाते हैं। 500 रुपया प्रीमियम लग गया, 44,000 है, तो ऊपर तरफ में प्रॉफिट कब से चालू होगा, 44,500, नीचे तरफ में प्रॉफिट कब से चालू होगा, 43,500। तो मेरा जो स्प्रेड है, 1,000 पॉइंट का मोटा मोटी स्प्रेड बन गया, उस स्प्रेड में मेरे को नुकसान है, और वो स्प्रेड में कमाएगा कौन, सेलर। जब मैं स्ट्रेडल बाय करता हूँ, स्ट्रेडल बाय करने का मतलब क्या, मेरे को ये नहीं पता है कि मार्केट बहुत जोर से ऊपर जाएगा कि बहुत जोर से नीचे जाएगा, बट मेरे को ये जरूर पता है कि एक तरफा मूवमेंट आएगा बहुत जोर का, ठीक है ना। और जो सेलर होता है वो बेसिकली पूरा ओपिनियन को कॉन्ट्रेडिक्ट करता है। अब देखो यहां पर मैं रीसेट करके, यहां पर तुम लोग को स्ट्रेडल में मैं बेसिकली दिखाता हूं सेल का, ठीक है। सेलर क्या सोच रहा है कि भैया देखो इस 1,000 पॉइंट के अंदर में ही मार्केट रहेगा, टोटल प्रीमियम कितना खा रहा है, 500, 25 का लॉट 12,500। तो सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, ये 12,500, खोने को तो पूरा जीवन है उसका, सब कुछ चला जाएगा उसका, सब कुछ चले जाएगा उसका, सब कुछ चले जाएगा। क्यों, मार्केट जीरो हो गया तो, मार्केट 1 लाख हो गया तो, मार्केट का कोई माई बाप नहीं है, ठीक है ना। एक दिन में 2,000 पॉइंट भी ऊपर नीचे ऐसे करता तुम लोग देख के पागल हो जाएगा, ठीक है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, नीचे जब आता है ना मार्केट में, तुम लोग पढ़ेगा आगे जाके, जब हम लोग ब्राउन मोशन करेंगे, तो ये सब जो लॉग नॉर्मल फॉग नॉर्मल सब फालतू है, ठीक है ना। मार्केट जब नीचे जाता है ना, तो उसमें कोई स्ट्रेटेजी कुछ नहीं काम आता है,
ठीक है, जिस दिन तुम्हारा कुछ न्यूज वगैरह आ रहा था और अडानी का वो हिंडनबर्ग का जो न्यूज आया था उस दिन तुमको देखना चाहिए था। मतलब जो चीज एवरेज में, जो चीज एवरेज में अभी जैसे 200 दिखा रहा है ना, यही 5,000 पॉइंट गिर जाए तुम देखो इसका प्रीमियम भाग जाएगा 1,000-1,200 रुपया। तुमको उस समय समझ में ही नहीं आएगा कि मार्केट में हो क्या रहा है, तुम समझा? प्रीमियम आर बेसिकली प्रीमियम का जो भाव होता है दैट्स समथिंग डिफरेंट, क्योंकि उस समय पैनिक स्ट्रिकन मूवमेंट है उस समय। आज तुमको ऑप्शन में अगर पैसा कमाना है तो तुमको पैनिक स्ट्रिकन मूवमेंट में पोजीशन लेना पड़ेगा अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है तो। मैंने बोलने का मतलब ये, अब जैसे 44,000 में तुम्हें एक शॉर्ट स्ट्रगल किया, शॉर्ट स्ट्रगल क्या, एक कॉल और एक पुट सेल। तो अब ये जो 1,000 पॉइंट देखो ना ब्रेक इवन, देखो ना 43487 एंड 44513, तो मोटा मोटी समझ गया ना 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे, क्योंकि इसमें तुम कवर्ड है, इसमें तुम कवर्ड है। अगर इसमें तुम कवर्ड है मतलब अगर मान ले 43,500 के नीचे जाना चालू होगा तो तुम्हारा लॉस चालू होगा, एंड 44,500 के ऊपर जाना चालू होगा तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, बैंक निफ्टी का दाम चल रहा है 44,000, ठीक है 44,000 का अगर तुम करता है 44,000 का अगर तुम मान ले 5% भी करता है तो मोटा मोटी 2,000 पॉइंट, जिसमें तुम 1,000 पॉइंट में तो कवर्ड है, नहीं समझा? अगर मान ले मोटा मोटी मान के चलता है 5% का मूवमेंट हो सकता है अप डाउन, नॉर्मल सिचुएशन है तो 5 2,000। तो एक तरीके से जो सेलर होता है उसका पता क्या माइंडसेट होता है, सेलर सोचता है भाई 500 रुपए प्रीमियम खा के बैठ जाओ, 500 रुपए प्रीमियम खा के बैठ जाओ। अब वो 500 रुपए प्रीमियम जो खाया है अब वो ये सोचेगा कि ऑन एवरेज कितना मूव करेगा, ऑन एवरेज कितना मूव करेगा, कितना मूव करेगा बताओ, 5% मतलब कितना, मोटा मोटी 2,000 पॉइंट। तो अगर मान ले 2,000 पॉइंट नीचे भी आ जाता है, 2,000 पॉइंट नीचे भी आ जाता है तो उसको कितना नुकसान होगा, 44,000 से 42,000 आ गया, 44,000 से 42,000 आ गया ना, तो 1,500 × 25 कितना हुआ, तो ये जो 1,500 × 25 मोटा मोटी तुम्हारा कितना हुआ, अरे बाबा नॉर्मल कैलकुलेशन करो ना, 2,000 पॉइंट × 25 कितना होता, 50,000, 12,500 प्रीमियम खा लिया तो कितना बचा, 37,500 का नुकसान ना। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, तुमने बेसिकली अगर तुम देखेगा तुम्हारा आ कितना रहे 12,500, मोटा मोटी जाएगा तो कितना जाएगा 37,500 मैक्सिमम, मैक्सिमम समझा, ये रिवॉर्ड रेशियो देखना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो लॉस जो अनडिफाइंड है तुम लोग को एक्चुअल में लगता है अनडिफाइंड होता होगा, नहीं, समझा? बुक्स का भाषा पूरा अलग। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर नॉर्मल सिचुएशन सोचो, आज जैसे हम लोग से 100, अभी तुम लोग ग्रुप में देख लो कितना पार्टिसिपेंट है, 250, तो तुम लोग क्या लगता है 250 बच्चों में क्या सब फेल हो जाएगा, नहीं ना। अगर मान ले पहला बात तो जो 250 बच्चा है, ठीक है पहला बात मान ले जो 250 बच्चा है उसमें मान ले 200 बच्चा एग्जाम देता है तो 200 बच्चा देगा तो 60-70-80% बच्चा पास करेगा, ठीक है। तो समझा नॉर्मल सिचुएशन के बारे में सोचा करो, हम लोग हमेशा एकदम खराब सोच लेते हैं, पेपर भी एकदम स्ट्रिक्ट होगा, पेपर भी डिफिकल्ट आएगा और वो सब चैप्टर से आएगा जो मैं नहीं पढ़ के जा रहा हूँ, और चेकिंग भी डिफिकल्ट होगा और अब की बार पासिंग मार्क भी बढ़ जाएगा, हम लोग का ये आइडियल सिनेरियो, बट ऐसा होता नहीं है, समझा? ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज है। अच्छा अब जैसे स्ट्रैडल मैंने समझाया, अब हम लोग इसको रीसेट करते हैं, अब हम लोग आते हैं तुम्हारा स्ट्रैंगल में, ठीक है अब हम लोग आते हैं तुम्हारा स्ट्रैंगल में, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके।
अब जैसे स्ट्रैंगल का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, स्ट्रैंगल में इट्स लाइक कि एक बोट बनता है। बोट का मतलब क्या है, अगर मान लो मैं स्ट्रैंगल बाय करता हूं, तो स्ट्रैंगल बाय करने का मतलब क्या है, मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बाय कर रहा हूं, आउट ऑफ द मनी। अब जैसे मान लो बैंक निफ्टी चल रहा है 44,000, सबको याद हो रहा है ना डेटा, बैंक निफ्टी चल रहा है 44,000, तो अगर बैंक निफ्टी 44,000 चल रहा है तो मैं कॉल बाय करूंगा 45,000 का, ठीक है। ये देख, कॉल मैं बाय करूंगा 45,000 का और मैं पुट बाय करूंगा 43,000 का, ठीक है, एक लॉट बाय। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझो वाले बात को, मैं कॉल बाय किया 45,000 का, तो 45,000 के ऊपर जाने से पे ऑफ चालू, 43,000 के नीचे जाने से पे ऑफ चालू। ये दोनों खरीदने के लिए मैंने प्रीमियम दिया टोटल में 70 रुपये के आसपास, 70-60 रुपये जो भी आ रहा है, ठीक है, तो 60 रुपये आ रहा है, तो 60 रुपये जो प्रीमियम दे दिया, अब एकदम बहुत जोर का भूचाल आ जाएगा ना, तब मेरा पे ऑफ या फिर प्रॉफिट चालू होगा, समझा। तो ब्रेक इवन कैसे निकालेगा बताओ, देखो 42942 कैसे आया, 942 समझा, 58 रुपीज प्रीमियम जो दे दिया, तो 43,000 के नीचे पे ऑफ चालू एंड 42942 के नीचे प्रॉफिट चालू, या फिर 45058 के ऊपर प्रॉफिट चालू एंड 45,000 के ऊपर पे ऑफ चालू। मैक्सिमम लॉस क्योंकि बाई किया है, तो बाई किया तो कितना रुपया प्रीमियम लग गया यहां पर, 58 58 × 25 का लॉट 1,500 रुपए मोटा मोटी, समझ गया। अब हम लोग इसको लॉटरी टिकट बोलते हैं, क्यों, लॉटरी टिकट कितना में खरीदा, 1,500 में। अब पाने के लिए तो पूरा आसमान है, देखो ये देखो, वो लोग ये देखता है, बट क्या यहाँ पर जाएगा, नहीं जाएगा भाई, नहीं जाएगा, चार ट्रेडिंग सेशन बाकी है, 44,000 से 47,000 नहीं जाएगा, समझा। तुम लोग को एक टर्म सुनाएंगे, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या होता है, तुम देखेगा यहाँ पर लाइन से वो करके रखता है, पोजीशन लेके रखता है। जैसे मान लो 44,000 चल रहा है, तो बहुत सारा लोग नेकेड कॉल पुट बेचता है, नेकेड कॉल पुट, ये तो बाय का है ना। देखो नॉर्मली लोग क्या करता है, ओटीएम सेल करता है, फार ओटीएम सेल करता है। फार ओटीएम सेल मतलब वैसा होगा ही नहीं नॉर्मल सिचुएशन में, मैंने साल में अगर 52 वीक्स है तो 50 वीक्स वो लोग कमाएगा और 2 वीक वो लोग लुट जाएगा, क्योंकि दो बार तो ऐसा होगा ही जब मार्केट वो लोग का पैंट खोल देगा पूरा, दो बार तो ऐसा होगा ही होगा, ठीक है ना, पूरा साल में एकदम अनसर्टेन इवेंट, दो बार तो ऐसा होगा ही होगा, समझ गया। अब देखो, अब जैसे मान लो शॉर्ट स्ट्रैंगल, मैं इसको रीसेट करता हूं, मैं स्ट्रैंगल का बात करता हूं, मैं अब जैसे तुमको ये देखना पड़ेगा कि कितना पॉइंट का तुमको स्प्रेड लेना है। वहां पर हम 2,000 पॉइंट का स्प्रेड ले लिया था, 2,000, समझा, ये मेरा स्ट्राइक चल रहा है, ये मेरा स्पॉट चल रहा है, स्पॉट के ऊपर दो, ऊपर 1,000 नीचे 1,000, तो ये जो 2,000 का स्प्रेड है इसको मैं कम करके 1,000 में अगर लाऊंगा तो 500 500 करना पड़ेगा ना, तो 500 500 करेंगे तो क्या करेंगे बताना, 43, अब जैसे
हजार हजार का लिए थे ना, 500, मतलब 500 नीचे का पुट बाय, ठीक है ना, 500 ऊपर का कॉल बाय, बट हम लोग यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रैंगल कर रहे हैं तो बोट उलट जाएगा, बोट उलट जाएगा, क्योंकि ये जो 1000 पॉइंट रहेगा ना, इसमें मेरा एक बेसिक प्रॉफिट होगा। देखो कैसे, 43,500 का पुट एंड 44,500 का कॉल, ठीक है ना, 44,500 का कॉल, इसको सेल करते हैं तो बोट उलट जाएगा। देखो अब यहां पर देखो, स्प्रेड को कमाएंगे ना तो प्रीमियम ज्यादा खा पाएंगे, नहीं समझा, स्प्रेड को कमाए। देखो एक होता है चिंदी लोग, तो चिंदी लोग मतलब स्ट्रेंगल, एक होता है अमीर लोग मतलब स्ट्रेडल, खमता है ना तो एट द मनी बेचो तब मजा आएगा, खमता है तो एट द मनी बेचो, कम खमता है तो आउट ऑफ द मनी बेचो। एट द मनी में बेसिकली क्या है, खेला किस चीज का, पैसा का जोर का है, क्योंकि देख हल्का सा भी मार्केट मूवमेंट करेगा ना तो, अब जैसे मान ले तू 44,000 का कॉल पुट दोनों सेल कर दिया, तो 44,000 का तू कॉल पुट अगर दोनों सेल कर दिया तो अब मान ले मार्केट में 200 पॉइंट का मूवमेंट आता है, तो एक इन द मनी होगा एक आउट ऑफ द मनी होगा, तो इन द मनी वाले का दाम बढ़ते जाएगा, आउट ऑफ द मनी वाले का दाम कमते जाएगा, बट इन द मनी वाले में जो दाम बढ़ेगा ना, आउट ऑफ द मनी में दाम उतना से कम नहीं होगा, उससे कम से कम होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, नुकसान होगा। तो तू स्ट्रैडल अगर तू बेच रहा है, तू अगर इस स्ट्रैटेजी में तू बेच रहा है, तो तू कमाएगा कब, तू कमाएगा तब जब मार्केट वहीं घूमेगा, आसपास में घूमेगा, 100 पॉइंट में ही घूमेगा, दैट इज टाइम डीके। कभी भी मान ले ऑप्शन सेलिंग होता है तो टाइम डीके वाला चीज को देखते हुए होता है, कि भाई देखो अभी कितना ट्रेडिंग सेशन बाकी है, 4, मार्केट मेरे को नहीं लगता है 1000 पॉइंट के ऊपर नीचे करेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों को बेच के प्रीमियम खाएंगे। प्रीमियम देख कितना है, कितना प्रीमियम है, देखो टोटल प्रीमियम तो मैंने बेसिकली 25 का लॉट है तो 4,300 रुपया प्रीमियम खा लिया, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। अगर मान लो 44,000 स्पॉट चल रहा है और अगर 43,000 हो गया, 43,000 हो गया तो 1000 पॉइंट नीचे, 1000 पॉइंट नीचे मतलब पुट में नुकसान खाएगा, लेकिन पुट में नुकसान कब से चालू होगा, 43,500 के नीचे से, तो 500 × 25 कितना होता है, 12,500, ये सब फिगर दिमाग में बैठाना, 500 × 25 12,500, लेकिन प्रीमियम कितना खाया, 4,300, तो 12,500 का नुकसान और 4,300, समझ गया, तो कितना होगा, लगभग लगभग 7,800 ऐसा समथिंग फिगर आएगा, इतना का वो नुकसान बुक करेगा, ठीक है ना। अच्छा अब हम एक देते हैं और तुम लोग को 5 मिनट का टाइम देंगे, ठीक है, तुम लोग बताना। इसको रीसेट करता हूं, 44,000 का मैं ये, एक सेकेंड सॉरी, रीसेट करता हूँ, स्ट्रैडल 44,000 का मैं ये सेल करता हूँ एंड स्ट्रैंगल मैं बाय करूंगा 43,000 एंड 45,000 बाय, ओके। सो बेसिकली ये ग्राफ है, ये सब पूरा यहाँ पर मैंने दे दिया है, ठीक है, दिस इज द ग्राफ, ओके। सो आप लोग इसको पूरा समझिए, मैं आप लोग को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये तुम लोग को पूरा समझ के मेरे को समझाना है, ठीक है, 5 मिनट का टाइम ले लो। अमाउंट तो ऊपर का भी चाहिए, यहाँ कुछ कुछ तो बढ़ सकता था, खरीदे क्या क्या सर, दो पॉल अलग अलग स्ट्रेंथ का, 43 का और 44 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
सर बेचे क्या देना चीज़ को अच्छा पहले से नहीं तो पहले वाला सेल है माइनस बोल दे रहा हूँ सेल के लिए दोनों इसका ये प्रीमियम था तो तब प्रीमियम किसको मिला हां और ये दो तो बाइक है कितना प्रीमियम भी है तो ये सब कौन परफेक्ट है हुआ प्रीमियम है पॉकेट सर तो ये बोलते हैं कि हार्ड में पॉलिटिक 3 और 45 के बीच में ना पैसा जाएगा कितने अपने सेल किए को मार्केट $5,000 for $45,000.
हाँ तो देखो इसमें अब तुम लोग क्या समझा पता नहीं, बट हम तुम लोग को अब समझाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर मोटा मोटी 500 रुपया प्रीमियम खा लिया, तो 500 रुपया जो प्रीमियम खाया, अब इसमें मेरा सबसे बड़ा डर क्या है कि अगर एक तरफा मूवमेंट हो गया तब तो हम गया। कहावत बोल रहे हैं ओनली वन इन अ मिलियन, ओनली वन इन अ मिलियन मेक मनी बाय सेलिंग नेकेड ऑप्शन, ओनली वन इन अ मिलियन मेक मनी बाय सेलिंग नेकेड ऑप्शन, अदर्स गो होम नेकेड। समझ गया, मैंने 10 लाख में सिर्फ एक आदमी है जो कमाता है, बाकी 9,99,999 लोग नेकेड घर जाता है। इतना गंदा चीज है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कैसीनो, बैंक निफ्टी से बड़ा कोई जुआ नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली 500 रुपया प्रीमियम खा रहा है, बट मैं बोला मेरे को बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो एज ए इंश्योरेंस मैं क्या कर रहा हूँ, आउट ऑफ द मनी बाय कर रहा हूँ। तो आउट ऑफ द मनी बाय कर रहा हूँ, अब इसी समझना मेरा, अब जैसे मैंने 43,000 का पुट बाय कर लिया है, तो आई एम अनकवर्ड इन
आई एम अनकवर्ड इन विच रीजियन, मोटा मोटी 43,500 से 43,000 में आई एम अनकवर्ड, क्योंकि एकदम नीचे चला जाएगा ना तो भी मेरा मैक्सिमम लॉस क्या होगा, वो जो 500 पॉइंट का जो गैप है। तो इसमें प्रीमियम कितना खा रहे देखो, 11,354 प्रीमियम खा रहे हैं, जी समझना 11,354 प्रीमियम खा रहे हैं, और मैक्सिमम नुकसान तुम बोलेगा सर दोनों तरफ, अरे पगलेट या तो एकदम नीचे जाएगा या फिर एकदम ऊपर जाएगा ना, दोनों तरफ कैसे हो सकता है, समझा? तो मैक्सिमम लॉस क्या है, देखो सेलिंग से भी लॉस लिमिट हो सकता है, दैट इज व्हाई बाइंग इंश्योरेंस, ठीक है ना? तो मैक्सिमम लॉस इसमें क्या है, 13646, और यही सब लोग करता है, स्ट्रैडल बेचता है ओटीएम बाय करता है, स्ट्रैडल बेचता है ओटीएम बाय करता है, समझ गया? ठीक है, एक और अब दिखाते हैं, इसको रीसेट करते हैं, अब स्प्रेड का बात करते हैं। देखो हम कॉल बाय करते हैं, ठीक है, अब जैसे मान लो एट द मनी कॉल बाय कर लिए, तो एट द मनी कॉल का ऑटोमेटिक प्रीमियम चलेगा 250, ठीक है, मेरे को नहीं है, मेरे को 250 रुपए नहीं है, तो हम बोले ठीक है भाई 500 पॉइंट ऊपर का हम कॉल बेच देंगे। 500 पॉइंट ऊपर का कॉल क्यों बेच रहे पता है? क्योंकि मेरे को पता है मार्केट ऊपर तो जाएगा बट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, 200-300 पॉइंट ही ऊपर जाएगा, तो बेमतलब का उसके ऊपर का जो रिवॉर्ड है जो मिलना ही नहीं है मेरे को, एक तरीके से मेरा सोच ऐसा है, तो हम उसका रिस्क क्यों ले, मतलब उसका प्रीमियम क्यों दें? तो 44,500 का जब बेचेंगे तो नेट नेट प्रीमियम कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि 44,000 में देंगे और 44,500 में खाएंगे, तो नेट नेट प्रीमियम कम हो जाएगा। अल्टीमेटली ग्राफ देखो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, देखो बाय, समझा? 44,000 के ऊपर पे ऑफ चालू, और जो नेट प्रीमियम है, नेट जो प्रीमियम है उसको पार करेंगे। जैसे तुम्हारा नेट प्रीमियम मेरा यहां पर कितना आ रहा है, मोटा मोटी 170, तो 44,170 के ऊपर मेरा प्रॉफिट चालू, और प्रॉफिट बंद कब, प्रॉफिट स्टेबल कब, 44,500 पे, समझ गया? हाँ समझा इसको, अब जैसे मान लो ये हम लोग कब लगाएंगे, जब हमको लगता है मार्केट ऊपर के तरफ जाने वाला है, अगर मान लो मार्केट नीचे के तरफ में जाने वाला है तो पुट स्प्रेड करेंगे बाय, पुट स्प्रेड मतलब क्या, 44,000 का बाय और 43,500 का सेल। इसको रीसेट कर देते हैं, देखो समझा, मेरे को लग रहा मार्केट नीचे जाएगा बट बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, तो नेट नेट प्रीमियम कितना है इसमें देखो, 170 अगेन मोटा मोटी 160 ना, तो 44,000 के नीचे पे ऑफ चालू एंड 43,840 अराउंड, देख लेते हैं, देखा 43,800 अराउंड प्रॉफिट चालू, प्रॉफिट बंद कब, मतलब स्टेबल कब, 43,500, क्यों 43,500 के नीचे जब जाएगा तो जो बाय सेल वो तो नलीफाई हो जाएगा ना, कट जाएगा, ठीक है, हाँ स्प्रेड। अच्छा अब एक और समझना, अब जैसे मेरे को लगता है मार्केट नीचे जाएगा, मेरे को लगता है मार्केट नीचे जाएगा, एक चीज समझना, एक होता है खाने का एक होता है लगाने का, ठीक है, तो जब तुम सेल करता है तब तुम खाता है और जब तुम बाय करता है तब तुम बेसिकली लगाता है, ठीक है, तो मेरे को ये है कि मेरे को टाइम डिके का ना फायदा उठाना है, मेरे को लगता है मार्केट क्या होगा नीचे जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है मार्केट नीचे जाएगा, तो मार्केट नीचे जाएगा तो तुम बोलेगा सर आप पुट स्प्रेड कर लीजिए, बट पुट स्प्रेड में प्रॉब्लम क्या है, पुट स्प्रेड में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि हम बाय करके सेल कर रहे हैं, समझा? जब तुम बाय करके सेल करता है तो टाइम डीके तुम्हारे अगेंस्ट में मूव करता है, बाय मतलब क्या, टाइम डीके अगेंस्ट हो गया, टाइम डीके मतलब क्या होता है,
तुम्हारा मान ले टाइम डी के भी समझाते हैं, ठीक है। पहले तुम एक ठो नेकेड देखो, ठीक है। जैसे मान ले तुम यहां पर बैंक निफ्टी का ऑप्शन में गया, ठीक है। ऑप्शन का स्ट्राइक हम लोग ले लेते हैं 44,000 कॉल, ठीक है ना, एट पोजीशन, ये है ना। तो अब तुम जैसे यहां पर क्या कर रहा है, तुम सेल कर रहे हैं ना, तो तुम कितना रुपया प्रीमियम खा रहे हैं, 236, 236 तुम प्रीमियम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो अगर तुम ये प्रीमियम खा रहे हैं तो मान ले तेरा 44,000 ही रहता है, तो तेरे को कितना प्रॉफिट होगा पूरा प्रीमियम का, ये टाइम डिके है। तो जिस चीज का दाम चल रहा है 236, उसी चीज का दाम मेच्योरिटी पे क्या हो जाएगा, जीरो, लैप्स ना, दिस इज टाइम डिके। क्योंकि एट द मनी अगर तुम सेल करता है तो पूरा हवा है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, दिस इज टाइम डिके। क्योंकि जैसे मान ले अभी 5 दिन बाकी है, तो 5 दिन में ऑप्शन बहुत ज्यादा मूव कर सकता है, बट क्या 5 मिनट में बहुत ज्यादा मूव कर सकता है, नहीं, समझा, 1 मिनट में नहीं। तो उसका वैल्यू देयर इज टाइम डिके। जब तुम सेल करता है ना, तो जब भी तुम सेल करता है तो टाइम डिके तुम्हारे फेवर में मूव करता है। क्यों? अब जैसे मान ले सेल किया और मार्केट स्टेबल है, ठीक है ना, तो क्या होगा, जो चीज तुम सेल किया उसका दाम कमते जाएगा। ऑप्शन इज अ वोलेटिलिटी गेम, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा, ऑप्शन इज अ वोलेटिलिटी गेम, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा तो ऑप्शन का दाम भी ज्यादा। वोलेटिलिटी नल, एकदम एकदम थम गया मार्केट, ठीक है ना, वोलेटिलिटी नील तो ऑप्शन का दाम भी कम, समझा। तो जब तुम सेल करता है बेसिकली टाइम डिके तुम्हारे फेवर में मूव करता है अगर मार्केट स्टेबल है तो। और जब तुम बाय करता है, मान ले तुम कोई भी चीज को अगर बाय किया है, तो बाय के केस में क्या होता है ये समझना, बाय कर लिया। अब जैसे मान ले यही चीज को हम रीसेट कर देते हैं, ठीक है, अब यही चीज को हम यहां पर बोलते हैं बाय में एट पोजीशन। तो बाय में अब क्या होगा, मान ले मार्केट 44,000 है, ठीक है, और 44,000 ही रह गया, तो तुम प्रीमियम कितना दिया था, 236, किस चीज के लिए दिया था, कि मार्केट ऊपर जाएगा तो फायदा होगा, बट मार्केट तो वही रह गया, समझ गया। तो जो चीज तुम 236 का खरीदा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, सेलर लेके चला जाएगा पूरा पैसा, ठीक है ना। अब जैसे मान ले मैं तो को वही समझा रहा था स्प्रेड में, अब हम लोग कॉल स्प्रेड सेल करेंगे। अब जैसे देख यहां पर लिखा है ना, सेल करने का मतलब क्या होता है, मैं 500 पॉइंट के स्प्रेड पे दिखाता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पर कॉल स्प्रेड सेल करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेकंड रुक जाना, ये हटाना पड़ेगा, एक सेकंड, आई नीड टू बेसिकली, हाँ ठीक है। तो कॉल स्प्रेड सेल करने का मतलब क्या है, मैंने 44,000 सेल किया है एंड 44,500 बाई किया है, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर जाने से सेल किया है, पहले 44,000 सेल किया है, तो मतलब ऊपर जाने से लॉस चालू हो जाएगा। मेरा व्यू पॉइंट क्या है, कि मार्केट नीचे जाएगा। अगर मार्केट नीचे नहीं गया, अगर मार्केट नीचे नहीं गया और हम गया, तो भी मेरे को प्रॉफिट होगा, समझा। अब इसको कंपेयर करते हैं, चीज समझो, ये जो चीज है ना, ये जो बता दिया ना, इसका कोर्स मैंने किया था 5 लाख रुपए में, ये जो बता दिया ना अभी, इसका कोर्स मैंने किया था 5 लाख पे, ठीक है, ये समझ लेना। ये एक है, इसमें व्यू पॉइंट क्या, देखो तुम ना, तुमको प्रॉफिट कहाँ दिख रहा है पहले ये बताओ ना, नीचे तरफ में प्रॉफिट दिख रहा है ना, नीचे तरफ में प्रॉफिट दिख रहा है। एक ये है सेल करके खेलने से, अब जैसे मान ले तुम्हारा व्यू पॉइंट क्या, कि मार्केट नीचे जाएगा तभी तो दिख रहा है ना प्रॉफिट, ग्रीन, ठीक है। एक सेकेंड, रीसेट स्प्रेड, पुट स्प्रेड बाय, ठीक है, सेम, ठीक है, अभी भी तुमको नीचे तक प्रॉफिट दिख रहा है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, मार्केट अगर 44,000 रह गया ना, मार्केट अगर 44,000 रह गया, कुछ नहीं आना तुम्हारे हाथ में, डिफरेंस समझो दोनों में क्या है। मार्केट अगर 44,000 रह गया तो क्या होगा, 44,000 रह गया तो तुम्हारा नेट नेट यहां पर प्रीमियम लग गया, तो जा रहा है पैसा, और उस केस में क्या हो रहा था, आ रहा है। व्यू पॉइंट दोनों में ही सेम है, कि मार्केट नीचे जाएगा, इसलिए बेच के खेलो, बेच के खेलेगा
और मार्केट थम जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा, लेकिन बाय करके खेलेगा और मार्केट थम जाएगा तो टाइम डी के अगेंस्ट पे मूव करेगा और अल्टीमेटली तुमको नुकसान होगा। बाय। अब और एक सुनना, अब जैसे रीसेट करता हूं इसको मैं, जैसे एक्चुअली होता क्या है इसमें, लोग क्या करते हैं सुनना, ठीक है, लोग क्या करते हैं सुनना, अब जैसे ये सब है ना, लोग क्या करेंगे, मैं एक बना ही देता हूं तुम लोग के लिए, ठीक है, स्ट्रैडल बना देता हूं एक, एट द मनी सेल, ठीक है, सो अच्छा रुको, आई विल रीसेट दिस, वेट वेट वेट, आई विल गिव यू अ गुड स्ट्रेटजी, स्ट्रैडल बना देता हूं एट द मनी, अभी जैसे मान लो 25 तक एक हफ्ता और 1 जून तक 2 हफ्ता, तो 2 हफ्ते का मैं ये सेल कर रहा हूं, यू विल अंडरस्टैंड टाइम वैल्यू बेटर, ओके, 2 हफ्ते का मैं ये, ओहो 44,100 का किया है, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, 44,100 का किया है, ठीक है, और स्ट्रैंगल बाय करता हूं, ठीक है, स्ट्रैंगल बाय कर लेता हूं, स्ट्रैंगल बेसिकली बाय करता हूं 500 पॉइंट, तो मोटा मोटी तुम्हारा 43,500 का पुट एंड 44,500 का कॉल, इसका एक्सपायरी को मैं रखता हूँ 25 में, ठीक है, ये मैंने बाय किया है, ठीक है, अब ये चार चीज है, ये क्या बन गया रे भाई, कुछ गलत हो गया, एक मिनट रुको, इसको रीसेट करता हूँ, एक सेकेंड अंदर मेरे को, हाँ अच्छा अच्छा समझाता हूँ, स्ट्रैडल 44,000 एक जून सेल, ठीक है, स्ट्रैंगल अभी जैसे 43,500 एंड 44,500 और यहाँ पर 25 में, देखो चेंज हो रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है, 43,500 ठीक है, ओके गॉट इट, कि ऐसा ग्राफ ऐसा क्यों बन रहा है, समझ गया मैं, ठीक है, तुम लोग पहले एक बार इसको स्टडी करो, ठीक है, एक बार जस्ट इसको एक बार स्टडी करना, ठीक है, ग्राफ मत देखो बस, खाली ये चार चीज देखो, ठीक है, ये चार चीज देखो और समझो कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स ऑफ टाइम, एक बार इसको समझना कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ये अपना बस है
हमको तो वही लिखा 800 रुपये प्रीमियम मिला 170 प्रीमियम दिए मैंने हमको लगा पॉकेट में कितना रुपया 630 कुछ और तो ये बताओ क्या खरीदे क्या वैसे ये भी बता तो ये साइडल सेल क्या फॉलो कर रहा है रेगुलर पूरा बेस है फॉलो कर हां और क्या स्ट्रैक बेस है फॉलो कर चलो लिखेगा तो ना तुम दिमाग में गड़े होगा बोलेगा खिचड़ी बनता है ये चीज लिख लेते मैं यहां से वजह से जो वो सर्कुलर बन रहा है ना वो टाइमिंग ये वाला देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे को जाता मेन सर जो टाइम का करके इसने इतना कर दिया था पच्चीस का काम क्या किए थे भाई अपन जो पिछले बार किए थे ना सेम चीज बस टाइम का उसमें बचपन में बना था पच्चीस का पच्चीस में था भाई हाँ क्योंकि पहले सर सेट किए थे वो एक दिन का सेट किए पच्चीस में था भाई दो दिन का सेल है बलवी का भाई बता दो पच्चीस तक का जो प्रीमियम था अमाउंट नहीं बोल तीन जून वाले का अमाउंट नहीं ठीक है मोटामोटी
अरे भाई नोट नहीं पढ़ बोला था। अरे भाई ने हम तो बोला था ना क्लास में अच्छा रहता था, वो जो खुद ही कोई दिक्कत करती हूं हम लोग मजा होता हम लोग लग नहीं रहे हां कौन देखती है सब ये हाल बैठा हां देखो इसके पीछे का लॉजिक तुम लोग जैसे प्रीमियम वगैरह समझा। अब जैसे एक्चुअली यहाँ पर ना इनपुट लिया नहीं है 401 वाले का, बट एक्चुअल में लॉजिक क्या होता है इसका समझ लेना। हम लोग ने क्या किया ना, दो हफ्ता दूर का सेल किया है तो ज्यादा प्रीमियम आएगा। दो हफ्ता दूर का जब सेल करेंगे तो प्रीमियम ज्यादा आएगा, बट जो बाय किया है वो एक हफ्ते का किया और वो भी दूर दूर का किया है। तो जब हम लोग बाय करते हैं दूर दूर का करते हैं तो उससे बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग का जो प्रीमियम जो लगता है वो बहुत कम लगता है और हम लोग को जो बाय वाला चीज है ना उसको रोल ओवर करना पड़ता है। रोल ओवर का मतलब क्या है, अब जैसे देखो मैंने जैसे मान लो मोटा मोटी जब मैंने 44,000 का कॉल पुट दोनों सेल किया तो मेरे को 800 रुपए प्रीमियम आया इन टोटल दो हफ्ते का। और जब मैंने बाय किया मान लो 43,000 का बाय कर लिया एक कॉल और एक पुट तो मेरा टोटल इसमें प्रीमियम लगा 100 रुपया, क्योंकि अभी तो एक हफ्ता है ना, ठीक है। तो हाँ एक हफ्ते का, ये 1 वीक है और ये 2 वीक है, ठीक है। तो 1 वीक वाले में मेरा प्रीमियम लगा 100 रुपया। अब जब ये वीक खत्म हो जाएगा और अगर मार्केट स्टेबल रहा तो दोबारा से मैं इसी को बाय कर लूंगा, दोबारा से मैं इसको रोल ओवर करके इसी को बाय कर सकता हूं। तो अगेन मेरा जो प्रीमियम लगेगा वो कितना लगेगा, 100 रुपया, फिर 150 रुपया, ठीक है ना। छोटे टाइम में दूर का ऑप्शन का प्रीमियम कम होता है, बड़े टाइम में दूर का ऑप्शन का प्रीमियम ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का स्ट्रेटेजी भी बन सकता है। तो यहां पर क्या होता है, बेसिकली टाइम वैल्यू का रोल प्ले आता है। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं मंथली जो होता है ना उसको बाय कर लेंगे और वीकली को सेल कर देंगे, क्योंकि वीकली में क्या होता है टाइम डीके ज्यादा होता है। वीकली में जो ऑप्शन है वो जल्दी जल्दी गलता है। जैसे मान लो अगर एक हफ्ते का होगा 250 तो एक महीने का होगा तुम्हारा 500,
तो अगर डिवाइड करेंगे इसको डिवाइड करेंगे 5 से, इसको डिवाइड करेंगे 20 से, तो यहां पर तुम्हारा आ रहा 50 और यहां पर तुम्हारा कितना आ रहा है 25। वीकली सेल तो तुम 4 बार सेल कर सकता है ना ब्रो, अगर मार्केट कंसिस्टेंट रह गया तो तुम अपना प्रोटेक्शन तो एक बार में बाय कर लिया, समझा तुमको, लेकिन बेच के कितना कितना रुपया प्रीमियम आ रहा पर डे 50, बट मार्केट को स्टेबल रहना पड़ेगा, ऐसा भी स्ट्रेटेजी बनता है। हाँ समझा, अब तुम लोग आज एक बार ऑप्स्ट्रा ट्राई करो, अलग अलग स्ट्रेटेजी समझो, ठीक है, और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास कल कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। कल थोड़ा सा क्लास लंबा लेंगे क्योंकि आज पेपर बी भी था, पेपर ए भी था, ठीक है, आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है, और अब हम लोग कल, लेकिन कल कितना बजे क्लास है, 11 बजे, कल हम लोग लंबा क्लास करेंगे, ठीक है, इसका जो एडवांस्ड ऑप्शन स्ट्रेटजीज है कल हम लोग वो करेंगे पहले, ठीक है, फिर हम लोग बुकलेट में देखेंगे, टाइम होगा तो जाएंगे, लेकिन कंपाइलर लेके आना, ठीक है, थैंक यू।